बाय गोपाल नमकीन पावर्ड बाय श्रीमती जी प्रोडक्ट पार्टनर उमिया चा इन एसोसिएट विद आत्मा डेंटल क्लिनिक गिफ्टिंग पार्टनर सिंधु सुपर क्लीन बेकरी पार्टनर विनोद बेकरी। नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत छे आपनु गोपाल नमकीन प्रेजेंस अब तक डिलीशियस रसथाड़मा स्पोन्सर बाय श्रीमती जी प्रोडक्ट स्पोन्सर उमिया चा। दर्शक मित्रों, दररोज शू बनाव તે પ્રશ્ન દરેક ગૃહિણીને સતાવતો હોય છે, તો આપની આ જ મૂંઝવણ દૂર કરવા અમે આવી પહોંચ્યા છીએ રાજકોટની ફેમસ એવી હોટેલ ફન હોટેલમાં, અને ત્યાંના ફેમસ શેફ આપણી સાથે હાજર છે, તો આપણે એમને જ પૂછીએ કે આજે તે આપના માટે કઈ રેસિપી બનાવવાના છે। શેફ, વેલકમ ટુ ધ શો। થેન્ક યુ। કેસે હો? બઢિયા। આજ આપ હમારે વ્યુઅર્સ કે લિયે કોન સી રેસિપી લેકે આયો? આજ હમ સબસે इम्पोर्टेंट रेसिपी लेके आए हैं जो काजू पीनट के कबाब है, क्योंकि सबका एक पसंद होता है कि हम कुछ कोई सा कबाब खाएं। तो ये जो कबाब है ये बहुत ही डिलीशियस कबाब है और ये बहुत ही इजी है बनाना, घरों में भी हम बना सकते हैं। सेकंड थिंग कि जो इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये बहुत ही हाई है, और इसमें क्योंकि काजू है और पीनट है ये दोनों में ही प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो एक न्यूट्रिशनल वैल्यू ये पूरा कर देता है। ओके, तो इसके लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो व्यूअर्स को दिखा दीजिए। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये काजू लेना होगा, देन पीनट लेना होगा, और इसके लिए जो मसाले हैं ये धनिया पाउडर है, ये किचन किंग है, और ये चाट मसाला है, इसके साथ में ब्लैक सॉल्ट भी है, ब्लैक सॉल्ट है, सी सॉल्ट है, और जो इसका बाइंडिंग है, बाइंडिंग के लिए हमें पोटैटो बॉयल करके और इसको ग्रेट करके रखना होता है, और उसके बाद ये रोस्टेड चना पाउडर है जो ये बहुत ज़रूरी है बाइंडिंग के लिए। ये एक तो टेस्ट भी बढ़ा देता है और प्लस बाइंडिंग के लिए भी ये काम में आता है। તો દર્શક મિત્રો, આપણા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ રેડી છે, આપણે પણ રેડી છે અને શેફ પણ રેડી છે, તો શરૂ કરીએ આજની આપણી રેસિપી। સબસે પહેલે તો હમ ये जो ये दोनों है, जो पीनट है और ये काजू है, इसको हम पहले क्रश कर लेंगे। जो जैसा कि यहाँ पे हमने क्रश कर लिया है ऑलरेडी, इसमें से हम बॉल में डाल लेंगे पीनट और काजू का। हाँ, ये क्रश किया हुआ है, ये दोनों हाफ हाफ लेना है, यानी 50-50% लेना है दोनों। ओके दर्शક મિત્રો, 50% જે છે એ કાજુ અને 50% જે છે એ શિંગદાણાનો પાવડર આપણે લેવાનો છે, और इसमें हम थोड़ा सा ये ग्रेटेड बॉइल्ड पोटैटो ऐड करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है इसके बाइंडिंग के लिए। जब तक ये हम ऐड नहीं करेंगे पोटैटो, इसका बाइंडिंग अच्छा से नहीं होगा। तो आपने छीणेला बटेटा लीधा छे। हाँ, अब इसमें ये जो मसाले हैं, अब हम एक एक करके इसमें से मसाले डालेंगे। ये किचन किंग है, किचन किंग मसाला। ये धनिया पाउडर है, धाणा जीरो ऐड करिए छे आपणे। ये चाट मसाला है, चाट मसाला हम थोड़ा सा लेंगे, ज्यादा नहीं। ये व्हाइट पेपर पाउडर है। व्हाइट पेपर पाउडर हम इसलिए लेते हैं कि थोड़ा सा ये हल्का एक स्पाइसीनेस दे, क्योंकि पूरा माइल्ड नहीं हो। ब्लैक पेपर यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे? इसके जगह पे हम ब्लैक पेपर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ब्लैक पेपर ना एक हमारे गले में लगता है, इसलिए हम ब्लैक पेपर ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। ये ब्लैक सॉल्ट है, ये सी सॉल्ट है। सी सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट में क्या डिफरेंस रहता है? ये एक्चुअली ये जो सी सॉल्ट है, इसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ये खाना बहुत ही ज़रूरी है। बट इसमें भी है कि हम ज़्यादा मात्रा में नहीं खा सकते, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड हमारे शरीर को जितना ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए। ज़्यादा खाने से बहुत तरह की प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है, जैसे हार्ट बर्न होता है या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और नहीं खाने से भी प्रॉब्लम होता है, जैसे लो ब्लड प्रेशर होता है। तो इसलिए हमें एक उचित मात्रा में लेना ज़रूरी होता है। તો દર્શક મિત્રો, શેફે જેમ આપણને ટિપ્સ આપી કે જે આપણો નોર્મલ સોલ્ટ જે છે એના કરતા સી સોલ્ટ જે છે એ આપણા હેલ્થ માટે સારું છે। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये चॉप चिली है, तो इसको थोड़ा स्पाइसी करना है, तो हम इसमें चॉप चिली ऐड कर सकते हैं। ये ग्रीन चिली है, ये स्पाइसी चिली है, तो ये स्पाइसीनेस बढ़ाता है। लीला मरचा नाख्या छे आपणे कापेला। ये धनिया पाउडर है, इसमें हम धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। कोथमरी नाखेली छे हवे आपणे। अब इसको हम अच्छा से मिक्स करेंगे।
ये खास हमें ध्यान रखना है कि हमें पूरा पाउडर नहीं बनाना है काजू और पीनट का, रोस्टेड रखना है थोड़ा और क्रमली रखना है। हाँ, ये क्रम ये टुकड़ा हुआ है, ये एक्चुअली क्रश है, ये पूरा पेस्ट नहीं है। क्रश करने से एक ये फ़ायदा होता है कि जब हम क्रश करते हैं और खाते हैं तो ये मुंह में थोड़ा क्रंची लगना चाहिए, क्योंकि ये फ्राई किया हुआ रहता है। ओके, तो दर्शक मित्रों खास ध्यान रखवानू छे कि आपणे काजूनो अने पीनट जे छे एमनो पाउडर नथी बनावानू, एने थोड़ा क्रम्बली राखवाना छे, एटले के अधकचरा राखवाना छे। अब इसमें हम रोस्टेड चना पाउडर एड करेंगे। ओके, जो इसका एक बाइंडिंग और भी बढ़ा देगा और थोड़ा टेस्ट भी बढ़ा देगा। रोस्टेड चना पाउडर की जगह पे हम चना दाल का जो पाउडर आता है बेसन जिसको बोलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं? बेसन हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बेसन यूज करने से एक तो टेस्ट प्रॉपर नहीं आता है और दूसरी बात कि ये थोड़ा कच्चा कच्चा सा लगता है। और दर्शक मित्रों खास ध्यान रखवानू छे कि आपणे जे चणानो लोट आवे छे ए नथी लेवानो, आपणे लेवानो छे रोस्टेड चना पाउडर, एटले के दाळियानो पाउडर लेवानो छे आपणे। अब जैसा कि आपने देखा कि हमारा मिक्सर रेडी हो गया, अब इसको हम एक शेप देंगे। शेप देने के लिए सबसे पहले इसको हम एक बॉल बनाएंगे, बॉल का शेप देंगे। ओके, तो दर्शक मित्रों आपणो डो जे छे बनने रेडी छे, हवे आपणे एना कबाब बनावीशुं। इसमें चना पाउडर डालने से एक और भी फायदा होता है कि जो एक तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है, दूसरी बात कि इसका जो कलर है ये भी एक अच्छा कलर आता है, वाइटनेस नहीं रहता है। ओके, और एक येलोइश कलर आ जाता है। ओके, तो दूसरी रेसिपीज में हम कॉर्नफ्लावर डालते हैं, मैदा डालते हैं, तो इसमें हमने रोस्टेड चना पाउडर डाला है, राइट? इसमें रोस्टेड चना पाउडर ही जाता है वैसे। ओके, क्योंकि ये हमारा फन होटल का बहुत ही पॉपुलर स्टार्टर है। ओके, और जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं फन होटल में ये बहुत लाइक करते हैं। अब इसमें हमारा बॉल बन गया, और बॉल को हम एक राउंड शेप देंगे लाइक ए टिक्की। ओके, तो दर्शक मित्रों आपणे शीखी रह्या छे फन होटल नी स्पेशियालिटी एवा कबाब। इसका शेप हम कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे कि ये राउंड शेप में है तो इसको हम लॉन्ग शेप में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम ज़्यादातर राउंड शेप में ही देते हैं। ओके, तो दर्शक मित्रों शेफे जन कीधु एम आ टिक्कीनो जे शेप छे आपणे कोई पण शेप आपी शकीए छे, तमारी अनुकूलताए तमे कोई पण शेप आपो, कबाबनो शेप आपीने पण यूज करी शको छो। ये हमारा कबाब रेडी है, अब इसको हम जस्ट फ्राई करेंगे। ओके, मेरी रिया और रोहन मसालेदार बातों के शौकीन हैं, गौरव को तो मसालेदार पार्टीज अच्छी लगती हैं, और मम्मी पापा मसालेदार मूवीज के शौकीन हैं, पर जिन मसालों से हम सब खुश होते हैं वो है अदानी मसाले। बेहतरीन रॉ मटेरियल से तैयार होते हैं अदानी होल मसाले, ग्राउंड मसाले और ब्लेंडेड मसाले, खाने में महक और स्वाद बढ़ाते हैं और तारीफ मुझे दिलाते हैं। बेहतरीन मसाले मेरी मसालेदार फैमिली के लिए अदानी बेहतरीन मसाले। जैसा कि हमने तेल डाल दिया है ऑलरेडी गरम होने के लिए, जैसे ही तेल हमारा गरम हो जाता है हम एक एक करके कबाब उसमें डालेंगे। ओके, कौन सा ऑयल लिया है आपने? हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। रिफाइंड ऑयल, ओके। और उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इसका टेम्परेचर अबव 160 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ओके, क्योंकि कोई भी कबाब या
कोई भी कबाब हम फ्राई करते हैं तो उसका एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। इसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए, अबव 160 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि उसमें एक तो ये टूटता नहीं है। अगर कम रहेगा टेम्परेचर तो ये कबाब टूटने लगेगा और बिखर जाएगा। ओके, तो दर्शक मित्रों टेम्परेचर नु खास ध्यान राखवानु छे आपणे। बहु वधारे पड़तु गरम पण तेल नथी राखवानु अने एकदम ठंडू पण तेल नथी राखवानु। हमारा तेल गरम हो गया है, हम एक एक करके कबाब डाल देंगे। तो दर्शक मित्रों तेल गरम थईने रेडी छे, हवे आपणे कबाब फ्राई करिए। एक पछी एक कबाब नाखता जईशुं आपणे। ये कुक होने में 5 से 7 मिनट लगता है। ओके। और क्वांटिटी अगर कम है तो ये थोड़ा पहले भी हो जाता है, 3 से 5 मिनट के अंदर हो जाता है। ओके। फ्राई करते वक्त हमें कौन से टिप्स का ध्यान रखना है? फ्राई करते हुए जब भी हम ये कबाब फ्राई करते हैं तो इसको बार बार हिलाना नहीं है। ओके। हिलाने से ये टूटने का डर रहता है। तो दर्शक मित्रों खास ध्यान રાખવાનું છે કે આપણે એક વખત તેલની અંદર કબાબ નાખ્યા પછી વારે ઘડી એમને હલાવવાનું નથી। और इसका कलर कैसा होना चाहिए? ये फ्राई करने के बाद एक गोल्डन ब्राउन कलर में आना चाहिए, जैसा कि हमारा कबाब अब लगभग रेडी होने वाला है और गोल्डन कलर भी आ रहा है। तो दर्शक मित्रों कबाब नो कलर गोल्डन थवा लागे एटले आपणी निशानी आवी जाय छे के कबाब रेडी छे। हमारा कबाब रेडी हो गया है, अब इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। तो दर्शक मित्रों तमे जोई रह्या छो के आपणा कबाब जे छे एकदम डिलीशियस लागी रह्या छे अने लुक मां पण गोल्डन कलर ना छे। खास ध्यान रखवानु छे कि आपणे आवा गोल्डन फ्राई करवाना छे। हाँ, जैसे हमने ये क्रश करके डाला है पीनट और कैसुनट, तो ये दिख रहा है एक कबाब फ्राई होने के बाद भी ये ऊपर से दिख रहा है कि ये क्रश किया हुआ है। ओके। और ये एक तो ब्राउन कलर हो गया है, दूसरी बात ये जब हम खाएंगे तो ये क्रंचीनेस आएगा। ओके। अब इसका हम प्लेटिंग करेंगे। ओके। ये हमने डिप्स बनाए हैं, ये बहुत ही स्पेशल डिप्स है, ये कैरेट का डिप्स है जिससे जिससे हम प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। प्लेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और सबसे पहली बात कि जितना अच्छा प्लेटिंग होगा उतना प्रेजेंटेबल होगा और अट्रैक्टिव होगा। ये एक्चुअली ग्रीन चटनी है। ओके। ग्रीन चटनी साथे आपणे ने शो करीशु। ये कोन पापड़ है। ये रिंग अनियन है। क्योंकि ये कबाब है तो इसके साथ में अनियन जब हम खाएंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा लगेगा। okay. और अब हम कबाब अरेंज कर देते हैं 1 by 1। इसके इसको सर्व करने के पहले इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। अब इसको आप टेस्ट करके बताइए कि कैसा हुआ। डेफिनेटली। तो दर्शक मित्रों रेडी छे अपना काजू पीनट कबाब, लागी रहा छे ने एकदम डिलीशियस। तो हूँ आपने टेस्ट करीने जणावुं के केवा बन्या छे। काजू पीनट कबाब टेस्ट मां खूब ज डिलीशियस छे। અને મેઇન વાત આની એ છે કે આપણે જે આમાં કાજુ અને પીનટને એકદમ ભૂકો નથી કર્યો, થોડા ચંક્સ રાખ્યા છે, અધકચરા રાખ્યા છે, તેના લીધે આનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવી રહ્યો છે।
बेहतरीन रॉ मटेरियल से तैयार होते हैं अदानी मसाले। खाने में महक और स्वाद बढ़ाते हैं और तारीफ मुझे दिलाते हैं बेहतरीन मसाले मेरी मसालेदार फैमिली के लिए। अदानी बेहतरीन मसाले। सिंधु सुपर क्लीन जो रखे आपके पूरे घर को क्लीन, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, हैंड वॉश, डिश वॉश, क्लास क्लीनर, लिक्विड ब्लू। वी मेक यू बिलीव। तो दर्शक मित्रों आ डिलिशियस रेसिपी आपने घरे बनावा માટે જોઈશે આની સામગ્રી અને રીત તો જરૂરથી નોટ ડાઉન કરી લો સામગ્રી અને રીત કાજુ પીનટ કબાબ બનાવવા માટેની સામગ્રી કાજુના ટુકડા 30 ગ્રામ શેકેલા સિંગદાણા 50 ગ્રામ બાફેલા બટાટા 2 નંગ ચાટ મસાલો 1 ચમચી લીલા મરચા 1 ચમચી સી સોલ્ટ 1 ચમચી संचर पाउडर 1/2 चमची तेल तड़वा माटे शेकेला चना दाल नो पाउडर 2 चमची जीरा पाउडर 1/2 चमची जीरू पाउडर 1 चमची लींबू 1 चमची अनियन 1 नंग काजू पीनट कबाब बनावा माटेनी रीत सौ प्रथम काजू और शींगदाणा अध कचरो भूको कर साइड में राखो त्यारबाद बाफेला बटेटा मिश्रण में काजू और शींगदाणा भूको नाखी तेमा झीणा सरेला लीला मरचा झीणी सरेली डूंगी नाखी मिक्स करो। हवे तेमा स्वाद मुजब मीठू संचर पाउडर गरम मसालो जीरू पाउडर शेकेली चना दाण पाउडर नाखी मिक्स करो। मिश्रण ने कबाब शेप आपो। हवे एक कढ़ाई लई तेमा थोड़ू तेल नाखो। तेल गरम थाय त्यारबाद एक पछी एक कबाब नाखी गोल्डन ब्राउन थाय त्यां सुधी फ्राई करो। तो तैयार छे आपणा काजू पीनट कबाब। तेने फुदीनानी चटनी लींबू अने अनियन स्लाइस साथे सर्व करो। तो दर्शक मित्रों तमे नोंध करी लीधा हशे आ रेसिपीनी सामग्री अने रीत। तो आ रेसिपी माटे आपणे टिप्स जाणी शेफ पासेथी। शेफ, ये रेसिपी के लिए अगर हमारे व्यूअर्स को घर पे बनाना है तो कौन सी टिप्स का उसको ध्यान रखना है? सबसे पहले तो जब भी हम काजू पीनट टिक्की बनाते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि काजू और पीनट को एक साथ मिक्स करके इसको क्रश करना है, पेस्ट नहीं बनाना है। सेकंड थिंग कि ये जो रोस्टेड चना पाउडर है जिसको हम ग्राम फ्लोर बोलते हैं तो इसके बदले हमें बेसन यूज नहीं करना है। ओके। अदरवाइज ये टेस्ट अच्छा नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा और इसके लिए हमें रोस्टेड चना पाउडर ही यूज करना है। ओके, थैंक यू सो मच शेफ कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी अच्छी रेसिपी दी। वेलकम। तो दर्शक मित्रों तुम्हारा मेनू में जरूर थी शामिल करो आ काजू पीनट कबाब ने अने આવી અવનવી અને ડિલિશિયસ વાનગીઓ શીખવા માટે તમે જોતા રહો ગોપાલ નમકીન પ્રેઝન્સ ડિલિશિયસ વાનગીઓનો રસથાળ સ્પોન્સર બાય શ્રીમતીજી પ્રોડક્ટ સ્પોન્સર ઉમિયા શાહ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સ્પોન્સર આત્મીય ડેન્ટલ ક્લિનિક અને ગિફ્ટ પાર્ટનર સિંધુ સુપર ક્લીન Till then, stay foodie, stay healthy.